ईरान और इसराइल के बीच अब टेंशन काफी बढ़ती जा रही है। हमास लीडर इस्माइल हानिया के निधन के बाद ईरान काफी गुस्से में है। ईरान किसी भी वक्त इसराइल से बदला ले सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो वो आज ही इसराइल को निशाना बना सकता है। इसराइल और ईरान के बीच टेंशन ने ग्लोबली काफी असर डाला है, जहां दुनिया भर की स्टॉक मार्केट को आज एक तगड़ा झटका भी मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान इसराइल के बीच जो टेंशन चल रही है, मार्केट्स पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर इसराइल और ईरान के बीच महायुद्ध हुआ तो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसके पास हैं सबसे ज्यादा हथियार। हालांकि आपको बता दें कि इसराइल के दैनिक टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया है कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल की धरती पर हमले को रोकने के लिए ईरान पर पहले ही हमला कर सकते हैं। अखबार में कहा गया है कि अगर नेतन्याहू को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो पहले हमला करने को कह सकते हैं। इसराइल पीएम नेतन्याहू ने रणनीति बनाने के लिए हाल ही में अपने सुरक्षा प्रमुखों के साथ एक गोपनीय बैठक भी की है। अब जब दोनों के बीच इतनी टेंशन बढ़ ही रही है तो क्या इसके काफी बुरे परिणाम हो सकते हैं? ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर दोनों देशों के पास कौन से हथियार हैं, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की माने तो इसराइल की आर्मी दुनिया की 20 सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। इसके अलावा इसराइल आर्मी में 1,69,500 एक्टिव सोल्जर हैं, वहीं 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में हैं। इसराइल के कुल सोल्जर्स की बात करें तो देश के पास लगभग 6,34,500 सोल्जर्स हैं। वहीं इसराइल के पास खतरनाक हथियारों की भी कमी नहीं है। देश के पास सबसे घातक हथियार एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है। ये धरती पर पहुंचने से पहले ही हथियारों को मार गिराता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास एक दर्जन परमाणु हथियार, 241 लड़ाकू जेट, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर और 2,200 टैंक हैं। वहीं इसराइल के पास 1,200 तोपखाने और कम से कम 7 युद्धपोत और कम से कम 6 पनडुब्बियां हैं। इन सब के अलावा इसराइल के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद भी है, जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क के लिए जानी जाती है। ईरान की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की एक रिपोर्ट की माने तो ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। उसकी सेना में 5,80,000 सोल्जर्स हैं, वहीं उसके पास 2,00,000 से ज्यादा फौज रिजर्व है। दोनों को मिलाकर देखें तो ये नंबर 7,80,000 होते हैं। ऐसे में इसराइल के मुकाबले ईरान के पास ज्यादा सोल्जर्स हैं। इसके अलावा ईरान के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की माने तो पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन, परमाणु हथियार और 273 फाइट जेट और अटैक एयरक्राफ्ट भी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।